नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुपेश पांडे की मौत मामले में झारखंड में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर झारखंड की सियासी पारा भी चरम पर है। बता दें कि आज मृतक रुपेश पांडे के परिजनों से मिलने जा रहे झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। बरही से लगभग 50 किलोमीटर पहले चरही में पुलिस की टीम ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि उनके बरही जाने से विधि व्यवस्था में बाधा आ सकती है। भाजपा नेता हाईवे के किनारे कुर्सी लगाकर बैठे हैं और उन्हें पुलिस ने घेरे रखा। इसके पहले गत 16 फरवरी को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा को भी पुलिस ने रांची एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक रोक लिया था। कपिल भी बरही जाकर मारे गए। किशोर के परिजनों से मिलना चाहते थे। बता दें कि बीते 6 फरवरी को 17 वर्षीय किशोर रुपेश पांडे की कुछ लोगों ने उस वक्त पीट पीट कर हत्या कर दी थी। है तो मांग रहे डीसी साहब, अब तो आगे बढ़े क्या करें। बात तो हुई सर, नहीं हमारी बात हुई तो मेरा यही था कि हमको लिखित भेज दीजिए। जानना चाहते हैं कि सिटीजन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, हम ना कोई क्रिमिनल है ना कॉमनल है, तो हमको क्यों रोका गया? कोई कारण होगा था बीच में। 144 का भी आपने हमको बताया कि 144 लगा, तो एक गाड़ी में 3 लोगों की यात्रा नेशनल हाईवे में करने में कोई आपत्ति है? इस ट्रक में तो लॉरी में देखिए 5-7 लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में 3 लोग थे, कोई कॉज नहीं। आपको इसका डिफिनेशन नहीं दे सकते, 144 का जो व्याख्या है कानून में वो भी नहीं। क्या करें बताइए वीडियो साहब, हम आगे बढ़े। बात करनी है सबसे, जो आपकी इच्छा आप हमको बताइए वीडियो साहब, कि आपके कार्यालय में भी हम मौखिक जाएँ कि ये मेरा लोकेशन कर दीजिए, तो आप करिएगा। आप तो रिटर्न मांगते हैं ना, तो आप हमारे एमपी को डिटेन किए हुए हैं, तो आप रिटर्न हम लोग को दिखा दीजिए किस आधार पर रखे हुए हैं। नहीं तो फिर आपने रोका है कि हम लोग जाएंगे, आपने रोका है ना सर? जो आदेश था हमने सर, लिखित आदेश है क्या? नहीं है जाने से रोका, क्या से रोको बोलेगा हमारे, तो फिर हम लोग को जाने दीजिए। डीसी साहब उनका वर्डिंग जो है वो कानून हो जाएगा क्या? ऐसा संविधान तो लिखित चलता है, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट और जितना भारत सरकार का कानून को एक बार बोरिया बस्तर में बंद कर, और हम कहेंगे डीसी एक्ट अब लागू होगा राजा, क्योंकि वो हेमंत सोरेन जी के बनाए हुए डीसी है। हम लोग भी सरकार चलाए हैं इस राज्य में, ऐसा कभी हम लोगों ने काम नहीं किया है, कभी नहीं किया है। ये तो लोकतंत्र की हत्या है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जो आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल अवैध आप लोग काम है। आप लोगों को सरकार चलाना है, आप अधिकारी हैं, आपके अपने नियम हैं, सर्विस रूल्स हैं, ये बिल्कुल उसके विपरीत आप लोगों का ये एक्शन है, इसको आपको भुगतना पड़ेगा।